अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम असद है और आज PHP फंडामेंटल्स का लेसन नंबर 56 है। इस वीडियो लेसन में मैं आपके सामने एक एग्जांपल करूंगा फाइल अपलोडिंग से रिलेटेड। ओके, क्विकली मूव करते हैं और जो अपलोडिंग के टाइप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जब आप फाइल्स को अपलोड करते हैं तो किस किस तरह से कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वेज टू अपलोड फाइल इन PHP। जो फर्स्ट मेथड है उसमें फाइल को अपलोड द फाइल इन अ फोल्डर एंड सेव इट्स लोकेशन एंड अदर डिटेल्स इन डेटाबेस। जिसकी दूसरी टाइप है उसमें वी स्टोर द फाइल directly in database with rest of its info। basically दो method हैं file upload करने के। जो first वाला method है उसमें हम basically जो हमारी file होती है उसको एक folder में upload कर देते हैं और उसके बाद जो उसकी location है यानी कि उसकी URL उसको database में store कर देते हैं। और जो method number one है ये एक optimized way है। जो मेथड नंबर टू है इसमें फाइल को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप एक फाइल को डेटाबेस में स्टोर करते हैं डायरेक्टली तो उसके लिए प्रोसेसिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। फाइल अपनी शक्ल से बाइनरी में कन्वर्ट होती है और जब आप उस फाइल को एक्सेस करते हैं यानी कि डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो फाइल बाइनरी से अपनी शक्ल में वापस आती है, तो वो अच्छी खासी प्रोसेसिंग बन जाती है। तो फाइल इट्सल्फ एक फाइल है तो फाइल को फाइल सिस्टम में ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। तो इसमें जो अप्रोच नंबर वन है हम ये इस्तेमाल करेंगे। ओके, यहाँ पे जितना भी कोड लिखा, यहाँ पे ये जो PHP की बॉडी है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल अपलोडिंग के लिए एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। HTML, यहाँ पे टाइटल आ जाएगा फाइल अपलोड, उसके बाद नीचे फॉर्म और फॉर्म में सबसे पहले मेथड आ जाएगा। मेथड हम पोस्ट इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप फाइल अपलोड करेंगे उसके लिए हमेशा पोस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। गेट इस्तेमाल करेंगे तो फाइल अपलोड नहीं होगी। एक्शन, जिस जगह पे फॉर्म अपलोड होगा, फॉर्म सबमिट होगा, उस URL, उस फाइल का नाम, उस पेज का नाम है upload.php। उसके बाद नेक्स्ट एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड है वो है इंक टाइप और इसकी जो वैल्यू है वो है मल्टी पार्ट /form-data। उसके बाद यहाँ पे मैं फील्ड सेट यूज कर रहा हूँ। फील्ड सेट की मदद से जो फॉर्म है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा क्योंकि मैं CSS इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेजेंड फाइल अपलोड, उसके बाद नीचे कुछ इनपुट टैग आ जाएंगे और जो इनपुट की टाइप है इस दफ़ा वो फाइल होगी क्योंकि मैं फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ और फाइल एक स्पेशल टाइप है। और जो मैं इस इंडेक्स को नेम, इस इनपुट फील्ड को नेम दूंगा वो होगा फॉर एग्जाम्पल माई फाइल। तो यहाँ पर डिपेंड करता है आप क्या नाम देते हैं। उसके बाद एक बटन आ जाएगा, जो बटन की टाइप है वो सबमिट होगी और जो बटन की वैल्यू है प्रेस्ड। बटन को एक नाम भी दिया जाएगा, नेम, और जो नेम है वो होगा बटन। इसका नाम बटन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन है आपके लिए। और जो वैल्यू है, वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। बेशक आप इनपुट टैग से बटन क्रिएट कर लें, बेशक आप बटन का टैग यूज कर लें। अपलोड, ओके, तो ये बटन क्रिएट हो गया। अब इस फॉर्म को ब्राउजर में देखते हैं कैसा नजर आ रहा है। मैंने रिफ्रेश किया और ये देखिए फॉर्म इस तरह से नजर आ रहा है। एक सिंपल सा बटन है अपलोड का, उसके साथ चूज़ फाइल के नाम से भी बटन आ रहा है। ये जो चूज़ फाइल के नाम से बटन आया है ये टाइप इक्वल्स टू फाइल की वजह से आया है। और ऊपर जो कुछ आपको एट्रीब्यूट नज़र आ रहे हैं, मेथड पोस्ट, एक्शन है अपलोड डॉट php, उसके बाद इंक टाइप। अगर इंक टाइप आप मिस कर देते हैं या आप मेथड पोस्ट मिस कर देते हैं तो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो जो फॉर्म का डाटा आता है वो आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एरे की मदद से एक्सेस करते हैं।
लेकिन जो फाइल्स का डाटा होता है, यानी कि जब आप फाइल अपलोड करते हैं, फाइल का डाटा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से एक एरे है सुपर ग्लोबल, जो कि पीएचपी की बिल्ट इन एरे है, फाइल का डाटा सारा उसी में आता है, पोस्ट एरे में नहीं आता। क्विकली एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इस फाइल को मैं नाम दे देता हूँ अपलोड डॉट पी एच पी। अपलोड डॉट पी एच पी वही फाइल है जहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा, मैंने एक्शन में ऑलरेडी इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। अब जो अपलोड डॉट पी एच पी फाइल है, यहाँ पे पी एच पी की बॉडी को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट कर देने के बाद यहाँ पे मैं एक इफ की स्टेटमेंट लिखता हूँ, और इसमें आके लिखता हूँ इफ इफ इज सेट, और इस सेट में आके चेक कर लेता हूँ डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट बटन। इसका मतलब ये है कि बटन के नाम से जो इनपुट फील्ड थी, अगर उसमें कोई वैल्यू सेट हुई है, यानी कि बटन प्रेस हुआ है, तो इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज इफ वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इफ वाली स्टेटमेंट उसी सूरत में ट्रू होगी अगर बटन प्रेस होगा फॉर्म सबमिशन के टाइम पे। अगर यूजर बटन प्रेस किए बगैर अपलोड डॉट पी एच पी फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो फाइल एक्सेस नहीं होगी। यहां पे आके मैं लिखता हूं एको प्री, एको प्री, और इसके अंदर आके प्रिंट आर, और यहां पे फाइल की जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। लेकिन डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स के नाम से मैं यही यूज कर रहा हूँ, फाइल का डाटा सिर्फ इसी में आएगा, फाइल का डाटा पोस्ट में नहीं आएगा, हालांकि जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ वो पोस्ट है। और अगर यूजर फॉर्म सबमिट नहीं करता, यानी कि डायरेक्टली अपलोड डॉट पी एच पी पे आता है, तो जो एल्स वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। तो इस सेट वाली स्टेटमेंट कब ट्रू होगी, जब यूजर फॉर्म का बटन प्रेस करेगा और वो इस फॉर्म पे आएगा। ओके, मैं यहां पे लिखता हूं एको नॉट अलाउड टू व्यू दिस फाइल विदाउट सबमिटिंग द फॉर्म। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो बेसिकली ये है कि अगर मैं यूआरएल में जाता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं अपलोड डॉट पी एच पी, ये देखें यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस फाइल विदाउट सबमिटिंग द फॉर्म। मैंने यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, लेकिन अब अगर यूजर अपलोड वाला बटन प्रेस करके उस फाइल पे जाता है, तो देखें चला गया और उसको फाइल वाली एम्प्टी एरे नजर आ गई। माई फाइल, ये जो मैंने फाइल को फाइल वाली इनपुट फील्ड को नाम दिया था माई फाइल, ये वही है, यानी कि ये वाला, ये लाइन नंबर 10 पे। ओके, अब जब फाइल को अपलोड किया जाता है तो फाइल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं अपने पास। फॉर एग्जाम्पल, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फाइल का पाथ डिफाइन करूँगा, अपलोड डायरेक्टरी इक्वल्स टू अपलोड्स और फॉरवर्ड स्लैश। अपलोड्स के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है जिस फोल्डर में मेरी बाकी पीएचपी की फाइल्स पड़ी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्सप्लोर और उसके बाद ये वो डायरेक्टरी है, सर नहीं देखें, अपलोड्स के नाम से एक डायरेक्टरी है जो कि खाली है अभी। हमारी जितनी भी फाइल्स अपलोड होंगी, अपलोड्स के नाम से जो डायरेक्टरी है इसमें अपलोड होंगी। फाइल नेम इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और सबसे पहले फाइल का नाम आ जाएगा माई फाइल, और नेक्स्ट नेम, फाइल नेम आ गया। अब यहाँ पे अपलोड डायरेक्टरी कि जो लोकेशन है उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट कैसे करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। पेस्ट कर देने के बाद डॉट इक्वल्स टू, और इसके आगे मैं एक स्ट्रिंग कंकेटिनेट कर देता हूँ फाइल के नाम से। ये जो लाइन नीचे आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है अपलोड डायरेक्टरी, अपलोड अंडरस्कोर डायरेक्टरी, उसमें अपलोड पहले से पड़ा हुआ है फॉरवर्ड स्लैश तक, और उसके आगे अब फाइल का नाम आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी, फाइल नेम डॉट एक्सटेंशन, ये यूआरएल कुछ इस तरह से बनेगी। जो फाइल वाला पार्ट है ये डायनामिक है, यूजर जो भी फाइल अपलोड करेगा वो इसके आगे कंकेटिनेट हो जाएगी। ओके, अब जो नेक्स्ट काम करना है, यहां पे फाइल की जो टेम्प लोकेशन है वो गेट कर लेते हैं। टेम्प डायरेक्टरी
जो टेम्प डायरेक्टरी है वो है डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, उसके बाद माई फाइल और टेम्प अंडरस्कोर नेम। ये टेम्परेरी डायरेक्टरी है, टेम्परेरीली फाइल पहले यहाँ पे अपलोड होती है। सो डॉलर साइज इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और यहाँ पे माई फाइल, और उसके बाद यहाँ पे फाइल का साइज आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है और अब यहाँ पे आप कुछ और कंडीशंस भी लगा सकते हैं, यानी कि जो फाइल की टाइप है आप वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि यूज़र सिर्फ और सिर्फ इमेजेस अपलोड करे, तो आप यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर ई एक्स टी, ई एक्स टी का मतलब एक्सटेंशन, इक्वल्स टू इन्फो पाथ पाथ इन्फो है असल में पाथ इन्फो, और इसके अंदर आके मैं फाइल का नाम लिखता हूँ फाइल नेम कॉमा पाथ इन्फो अंडरस्कोर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मुझे फाइल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी कि अगर फाइल है फॉर एग्जाम्पल इमेज डॉट जे पैग के नाम से, तो जो जे पी जी है ये इस एक्सटेंशन वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा इसकी वजह से। ओके, इसको क्विकली रिमूव करते हैं और यहाँ पे आके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फाइल का साइज़ है असल में ये बाइट्स में आ रहा होता है, आप इसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स को आपको देखना पड़ेगा उसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। लेट सपोज मैं इसे रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इमेजेस अपलोड करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ डॉलर ई एक्स टी इज इक्वल इक्वल्स टू जे पी जी और ई एक्स टी इक्वल इक्वल्स टू जे पी ई जी और ई एक्स टी इज इक्वल इक्वल्स टू पी एन जी और डॉलर ई एक्स टी इज इक्वल इक्वल्स टू गिफ। ये जितनी भी इमेज फाइल की एक्सटेंशन जो कि मुझे याद हैं वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी हैं। अब इसमें से अगर जो मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ उसकी इनमें से कोई भी टाइप आ जाती है, यानी कोई भी एक्सटेंशन आ जाती है, तो वो एक एक्चुअल इमेज फाइल है, यानी कि एक करेक्ट इमेज फाइल है। नीचे आके मैं एल्स की स्टेटमेंट लिखता हूँ और एल्स की स्टेटमेंट में लिखता हूँ एको इनकरेक्ट इट्स नॉट एन इमेज फाइल, इट्स नॉट एन इमेज फाइल। ओके, अब ये इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं ये प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं। मैं यहां पे लिखता हूं इट्स एन इमेज फाइल। क्विकली आते हैं ब्राउजर पे, पेज को रिफ्रेश किया। पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं कोई फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फाइल सेलेक्ट कर ली लेसन वन इंट्रो, और इसकी टाइप पी एन जी है। अगर मैंने अपलोड पर क्लिक किया तो देखें इट्स एन इमेज फाइल। अगर इमेज फाइल के अलावा मैं कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर एरर आ जाएगा। ये देखें लेसन फोर पी एच पी, ये इमेज फाइल नहीं है, ये एक आई एन आई फाइल है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये देखें पी एच पी डॉट आई एन आई फाइल। पी एच पी आई एन आई फाइल गलती से मैं यहाँ पे पेस्ट कर चुका हूँ। मैंने अपलोड पर क्लिक किया तो देखें इट्स नॉट एन इमेज फाइल। तो इस तरह से आप अपने स्क्रिप्ट को टैकल कर सकते हैं डिफरेंट स्पेसिफिक फाइल्स के लिए। अब इस पार्ट को मैं क्विकली रिमूव करता हूँ। इस पार्ट को रिमूव कर देने के बाद आप जो ये साइज वाला पार्ट है आप इस पर भी कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि फाइल का कितना साइज होना चाहिए। ओके, तो इस जगह पे आके अब मैं फाइल को अपलोड करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपलोडेड इक्वल्स टू मूव अपलोडेड फाइल। मूव अपलोडेड फाइल के नाम से एक फंक्शन है पीएचपी का प्रीडिफाइंड। वो क्या काम करता है, जो टेम्परेरी लोकेशन पे फाइल अपलोड होती है वहाँ से उठा के उसे एक्चुअल लोकेशन पे मूव करता है। तो हमारी जो एक्चुअल लोकेशन है उस फोल्डर का नाम है अपलोड डायरेक्टरी, और ये बेसिकली डेस्टिनेशन है। इसको मैं डेस्टिनेशन वाली जगह पे पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो फाइल नेम है, फाइल नेम बेसिकली टेम्प डायरेक्टरी है। टेम्प डायरेक्टरी को कॉपी करते हैं,
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट कर देने के बाद ये जो फंक्शन है मूव अपलोड के नाम से, ये फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या फॉल्स, सक्सेस के केस में ट्रू और फेलियर के केस में फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ अपलोडेड एको फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। Else, echo, file in directory. Okay, इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं। हमारी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स पूरी हैं, अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं। वापस आते हैं, रिफ्रेश। फाइल मैंने सेलेक्ट की और मैंने भी सिलेक्ट नहीं की, बाहर निकलते हैं, कोई और फाइल चूज़ कर लेते हैं, इमेजेस। और मैं यहाँ पे ये इमेज फाइल चूज़ कर लेता हूँ। ओपन, फाइल का ये नाम है, अपलोड, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब जाके जस्ट मेक श्योर कर लेते हैं कि जो हमारा फोल्डर है उसमें फाइल चली गई है या नहीं गई। ये देखें, अपलोड्स के नाम से फोल्डर है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर फाइल आ चुकी है। अब एक काम रह गया है, इस फाइल की जो इन्फॉर्मेशन है यानी कि इसकी यूआरएल, उसको डेटाबेस में भी स्टोर करवाना है। आप क्विकली वो वाला पार्ट देख लेते हैं। ओके, इस लाइन को मैं रिमूव करता हूँ। अगर फाइल सक्सेसफुली फोल्डर में अपलोड हो गई तो उसका मतलब ये है कि अब फाइल को डेटाबेस में भी स्टोर किया जा सकता है। तो सबसे पहले डेटाबेस पे चलते हैं, जाके एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें फाइल की इन्फॉर्मेशन जाएगी। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, टेस्ट अंडरस्कोर DB के नाम से हमारी डेटाबेस है, उसको मैंने ओपन कर लिया। अब उसमें आके मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ फाइल्स के नाम से। इसमें तीन फील्ड्स होंगी, जो एक फील्ड है उसका नाम होगा ID, जो सेकंड फील्ड है उसका नाम होगा फाइल नेम, और जो थर्ड फील्ड है उसका नाम होगा लोकेशन। जो सेकंड और थर्ड फील्ड्स हैं उनकी जो डेटा टाइप है वो वारचार होगी, 150 और 30। जो ये लेंथ मैंने डिफाइन की है ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लेंथ रखना चाहते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखें, कभी भी एक्स्ट्रा लेंथ मत रखें। इसको जो फर्स्ट वाली फील्ड है जो कि आईडी है, उसे मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर देता हूँ और वो साथ ही प्राइमरी की भी बन गया। मैंने गो पे क्लिक किया, अब मैंने स्क्रॉल डाउन किया, उसके बाद ये सेव का बटन आ गया। सेव के बटन पर जैसे ही क्लिक किया मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया। ये देखें, टेबल क्रिएट हो चुका है। इस टेबल में आईडी के नाम से फील्ड है, फाइल नेम के नाम से और लोकेशन के नाम से है। अब क्विकली वापस चलते हैं टेक्स्ट एडिटर पे और यहाँ पे डेटाबेस वाला कोड लिखते हैं। कनेक्शन इक्वल्स टू माई SQLi कनेक्ट, इसमें कुछ पैरामीटर्स आएंगे, लोकल होस्ट, उसके बाद रूट, उसके बाद पासवर्ड कोई भी सेट नहीं किया हुआ इसलिए उसको एम्प्टी छोड़ दिया, फिर टेस्ट अंडरस्कोर DB जो कि डेटाबेस का नाम है। अब यहाँ पे बेसिकली चेक करना पड़ेगा कि क्या कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था सक्सेसफुली या नहीं। तो माई SQLi कनेक्ट एरर नंबर, अगर जो एरर आता है तो इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे एरर डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डाई और माई SQLi कनेक्ट एरर। अगर तो कोई एरर आ जाता है तो यहाँ पर आके लाइन नंबर 16 पे एग्जीक्यूशन डाई हो जाएगी, यानी कि डेड हो जाएगी। एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 16 से नीचे नहीं जाएगी अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता। अब क्विकली यहाँ पे आके क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट इन टू फाइल्स फाइल नेम कॉमा और लोकेशन वैल्यूज। मैं पैरामीटराइज्ड क्वेरीज का इस्तेमाल करूंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ, इसलिए मैंने वैल्यूज़ वाला जो पार्ट है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लिख दिए। और ये अच्छी अप्रोच है, स्टेटमेंट इक्वल्स टू माई SQLi प्रिपेयर, स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा रहा है और इसमें दो पैरामीटर्स पास होंगे, सबसे पहले कनेक्शन उसके बाद SQL यानी कि जो क्वेरी लिखी थी, दोनों पैरामीटर्स पास हो गए। अब चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट क्रिएट हो गई थी या नहीं, तो उसके लिए मैं लिखूंगा इफ़ डॉलर स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अगर तो क्रिएट हो गई इसका मतलब ये है कि वी आर गुड टू गो। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा माई SQLi स्टेटमेंट बाइंड पैरम,
अब पैरामीटर्स को बाइंड किया जाएगा जिनकी बेस पे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट आर्गुमेंट पास करना है वो डेटा की टाइप्स बतानी है। फाइल नेम भी एक स्ट्रिंग है, लोकेशन भी एक स्ट्रिंग है, इसलिए मैंने डबल एस लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी सेम इसी सीक्वेंस में। पहले फाइल नेम आएगा, उसके बाद लोकेशन आ जाएगी फाइल की। सबसे पहले फाइल नेम, फिर अपलोड डायरेक्टरी, फाइल नेम अपलोड डायरेक्टरी, परफेक्ट। मेरे पास जगह नहीं थी तो इसलिए ये वाली लाइन ब्रेकों के नीचे आ गई है, तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे आके मैं क्वेरी लिखूंगा इफ, यहाँ पे आके मैं एक वेरिएबल बना लूंगा सेव्ड इक्वल्स टू माई एच के एल आई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट माई एस के एल आई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और इसको स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। अब नीचे आके इफ की स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ सेव्ड, अगर तो डेटाबेस में फाइल की इंफॉर्मेशन सेव हो गई थी तो क्या होगा, यहां पे मैसेज आ जाएगा एको फाइल हैज बीन अपलोडेड। अच्छा, डेटाबेस वाला जितना भी कोड है मैंने कहां पे रखा है, इफ वाली स्टेटमेंट पे। और इफ वाली स्टेटमेंट किस पे डिपेंडेंट है, क्या फोल्डर में फाइल अपलोड हो गई या नहीं हुई, ये उस पे डिपेंडेंट है। अगर फोल्डर में फाइल अपलोड हो जाती है तो उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करना होगी, और इन केस अगर कोई एरर आ जाता है और डेटाबेस में फाइल स्टोर नहीं होती है तो मैं चाहूंगा कि जो फाइल अपलोड, जो फोल्डर में जा चुकी है फाइल, उसको रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि फिर फाइल रखने की जरूरत नहीं है अगर डेटाबेस में स्टोर नहीं होती। फाइल को फिर से उसको री इंसर्ट करना चाहिए फिर से। तो मैं यहां पे लिखता हूं इफ फाइल एग्जिस्ट्स, फाइल एग्जिस्ट एक पीएचपी का बिल्ट इन फंक्शन है और वो बेसिकली चेक करता है कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। यहां पे मैं फाइल का पाथ लिख देता हूं अपलोड डायरेक्टरी, यानी कि अपलोड डायरेक्टरी एक फुल पाथ है फाइल का, उसमें डायरेक्टरी का नाम भी है, फाइल का नाम भी है, तो उसे असल में फाइल का नाम कंसिडर किया जाएगा। अनलिंक अपलोड डायरेक्टरी, इसका मतलब यह है कि अगर तो फोल्डर में फाइल अपलोड हो गई लेकिन फाइल की इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर नहीं हुई तो उस केस में क्या होगा, फाइल को फोल्डर से भी रिमूव करना पड़ेगा। ओके, अब इस स्टेटमेंट का जो अपलोडेड वाली स्टेटमेंट है इसका एल्स वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। एल्स वाला पार्ट ऑलरेडी लिख दिया, एरर अपलोडिंग फाइल इन डायरेक्टरी। इसको सेव करते हैं, सेव कर देने के बाद अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं। मैंने चूज़ फाइल पर क्लिक किया, चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने एक ये फाइल चूज़ कर ली, मैंने ओपन पर क्लिक किया, फाइल का नाम है टू अंडरस्कोर बी डॉट जे पी जी, अपलोड पर क्लिक किया तो फाइल हैज़ बीन अपलोडेड। अब डेटाबेस में जो टेबल है उस पर चलते हैं, उसको मैं ब्राउज करता हूँ, तो ब्राउज करने पर देखें फाइल की इंफॉर्मेशन नज़र आ गई, फाइल नेम है टू अंडरस्कोर बी डॉट जे पी जी और फाइल की लोकेशन यहाँ पर नज़र आ गई है। ओके, क्विकली वापस आते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो जितने भी मैसेजेस यहां पे नजर आ रहे हैं, फाइल हैज बिन अपलोडेड, ये सब कुछ हमारे फॉर्म वाली फाइल पे नजर आए, तो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे यूजर को रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई सक्सेस का केस होता है या कोई एरर का केस होता है तो हर केस में यूजर को इंडेक्स वाले पेज पे, यानी कि जो फॉर्म वाला पेज है वहां पे रीडायरेक्ट करवाना पड़ेगा। तो क्विकली ये काम भी कर लेते हैं, उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा हेडर, हेडर के नाम से फंक्शन है जो कि रीडायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं लिखूंगा लोकेशन, उसके आगे इंडेक्स डॉट पी एच पी क्वेश्चन मार्क एरर इक्वल्स टू एरर और प्लीज अपलोड द फाइल। जो ऊपर एरो ये एको वाला मैसेज है अब इसको रिमूव कर देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब अगर ये एल्स वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी तो यूजर ऑटोमेटिकली फॉर्म वाली फाइल पे नेविगेट कर जाएगा। इस एरर को कॉपी करते हैं, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इट्स नॉट एन इमेज फाइल, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं, यहाँ
यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इट्स नॉट एन इमेज फाइल। ओके, इस जगह पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। ओहो, इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। अनएबल टू अपलोड इन डायरेक्टरी, यानी कि फाइल डायरेक्टरी में मूव नहीं हुई। अब ये जो एक केस आ रहा है यहाँ पे, ये सक्सेस का केस है, तो सक्सेस के केस में यहाँ पे मैं लिखूंगा सक्सेस, सॉरी एरर की जगह पे सक्सेस। तो ये जस्ट एक मैं गेट रिक्वेस्ट बना रहा हूं। फाइल अपलोडेड, और यहां पे नीचे एक और एरर मैसेज आएगा एल्स वाली स्टेटमेंट में, यानी कि इस जगह पे। और ये मैसेज क्या होगा, अनएबल टू स्टोर इन्फो इन डी बी। तो हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया। अब यहाँ पे देखें, सारा कोड मैंने एक ही फाइल पे लिख दिया, डेटाबेस का प्लस जो फाइल अपलोडिंग का था। ओके, अब इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं, और अगर देखें मैं अपलोड पे क्लिक करता हूँ डायरेक्टली और मैं फाइल अपलोड नहीं करता, यानी कि फाइल सेलेक्ट नहीं करता, तो ऊपर आ जाता है एरर, इट्स नॉट एन इमेज फाइल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करने के बाद एंटर करते हैं और मैं अपलोड पर क्लिक करता हूं, तो देखें एरर, इट्स नॉट एन इमेज फाइल। वो कह रहा है कि एक इमेज फाइल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पे मैं अपलोड वाली फाइल को डायरेक्टली एक्सेस करता हूं यूआरएल में, तो फिर देखें एरर मैसेज क्या आता है। ये देखें, प्लीज अपलोड अ फाइल। तो ये जो ऊपर एरर मैसेज आ रहा है, इसे हम पेज पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, इसको बिल्कुल फॉर्म के नीचे डिस्प्ले करवा देते हैं। काफ़ी आसान काम है। देखें, ये गेट एरे है, असल में ये एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट बन रही है, इसको क्वेरी स्ट्रिंग कहते हैं इस पार्ट को, ये क्वेरी स्ट्रिंग है। इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं क्विकली। जो इंडेक्स वाली फाइल है मैं उस पर आता हूँ, और यहाँ पर आके एक मैं डिव क्रिएट कर लेता हूँ, उसको एक आईडी दे देते हैं एरर के नाम से, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसमें पीएचपी का स्क्रिप्ट एम्बेड करना होगा, इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट अरे, और गेट अरे का अगर एरर के नाम से इंडेक्स सेट हुआ था, यानी कि जो एरर के नाम से इंडेक्स है उसको कोई वैल्यू असाइन हुई थी, तो उस सूरत में ये इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट और एरर, इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब ये मैंने इसको एक आईडी दी है एरर के नाम से, आईडी देने की वजह है मैं इसको स्टाइल भी करना चाहता हूँ, तो क्विकली इसको स्टाइल भी कर देते हैं। स्टाइल डिफ की जो आईडी है वो एरर है, मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ हैश एरर के साथ, और इसमें कलर आ जाएगा, कंप्लीट कर देते हैं इसको एरर, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स, इसके आगे कॉमा, इसके आगे सक्सेस भी आ जाएगा। कलर रेड, कलर ग्रीन। ओके, अब क्विकली इस स्क्रिप्ट को ट्राई करते हैं, बल्कि जो नीचे सक्सेस वाला पार्ट है इसको भी मैं कंप्लीट कर देता हूं, क्योंकि जो सक्सेस वाला मैसेज आएगा वो भी यहीं पे प्रिंट होगा। यहां पे लिखते हैं, बल्कि एक साथ इसको लिख देता हूं सक्सेस। वापस चलते हैं। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें एरर, प्लीज अपलोड द फाइल। अब जो फाइल अपलोड हो गई है उसको डिस्प्ले भी करवाना है, उसको क्विकली डिस्प्ले भी करवा देते हैं। उसके लिए जो मुझे कुछ डेटाबेस का जो कोड है उसको इंडेक्स वाली फाइल पे लिखना पड़ेगा, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर देने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके लिए मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, उसको एक आईडी दे देते हैं फाइल रैपर या इमेज रैपर कह लें, कुछ भी कह लें इसको।
इमेज रैपर। ओके, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आके मैं पीएचपी का कोड एम्बेड करता हूँ। एम्बेड करने के बाद सबसे पहले डेटाबेस का कोड आ जाएगा, और डेटाबेस का ये सेम कोड है। डेटाबेस का कोड आ जाने के बाद यहाँ पे क्वेरी लिख लेते हैं, डॉलर एस क्यू एल इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फाइल्स। तो इस दफ़ा मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कुछ भी इनपुट नहीं कर रहा, डायरेक्टली डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ। डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई क्वेरी, इसको दो पैरामीटर्स पास करना होंगे, एक कनेक्ट और एक डॉलर एस क्यू एल। अब नीचे आके इसको डिस्प्ले करवा देते हैं जो भी डाटा निकल के आ रहा है। If MySQLi num rows dollar result is greater than zero, यानी कि अगर एक से जीरो से ज़्यादा रोज मिल गई हैं इस रिजल्ट में, तो फिर इसको डिस्प्ले करवा दो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा while, while का लूप, while के लूप में आके एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ डेटा के नाम से, इक्वल्स टू MySQLi fetch soak। एसोसिएटिव एरे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ किसमें से, रिजल्ट वाले ऑब्जेक्ट में से। यहाँ पे आके लिखते हैं एको, और सबसे पहले डिव आ जाएगा, और उस डिव के बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एको इमेज, इमेज का सोर्स आ जाएगा डॉलर डेटा, और यहाँ पे आ जाएगी लोकेशन। डायनामिकली यहाँ पे जो इमेज की लोकेशन है वो मैं साइन कर रहा हूँ। ऑल्ट, ऑल्ट को मैं फ़िलहाल खाली छोड़ देता हूँ, लेकिन ऑल्ट एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, इसको हमेशा इमेज के साथ इस्तेमाल किया करें। यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है यहाँ पे, बल्कि अभी नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत नहीं है, एको div, एक क्लोजिंग div टैग आ गया। ओके, अब इसको ब्राउजर में देखते हैं। मैंने रिफ्रेश किया, अनडिफाइंड वेरिएबल कनेक्ट, ये तीन दफा n लिखा गया, और ये किस लाइन पे आ रहा है, लाइन नंबर 45 पे, लाइन नंबर 45 पे कनेक्शन है ये। रिफ्रेश, आप देखिए नीचे इमेज डिस्प्ले हो चुका है। इमेज का साइज छोटा कर लेते हैं अब क्विकली, और उसके लिए मैं लिखूंगा ये जो डिव टैग है इसको एक क्लास असाइन कर देते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा इमेजेस आएंगे सब पे एक कॉमन स्टाइल अप्लाई होगा। जब कॉमन स्टाइल आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे क्लास का इस्तेमाल होता है। फ्रेम, इसको मैंने क्लास दे दी फ्रेम के नाम से। CSS में आते हैं, डॉलर फ्रेम डॉट फ्रेम आई एम सॉरी, और इसमें विड्थ आ जाएगी। विड्थ लेट सपोज कर लेते हैं 100 पिक्सल्स, हाइट कर लेते हैं 60 पिक्सल्स, और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, यानी कि मैं मेरे जो बॉक्सेस हैं जिसमें इमेज आ रहा है वो साइड बाय साइड नजर आएंगे। उसके बाद इमेज रैपर मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। जो रैपर है उसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर रहा हूँ, मार्जिन टॉप पे दे रहा हूँ। रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने पे इमेज का ये साइज़ आ रहा है। अब जिसके अंदर इमेज है उसको श्रिंक कर लेते हैं, यानी कि जो मैंने साइज़ डिफाइन किया 100 पिक्सल्स और हाइट 60 पिक्सल्स, उसके मुताबिक इमेज का साइज सेट कर देते हैं। तो डॉलर डॉट फ्रेम, मेरे मुंह से डॉलर निकल रहा है बार बार। उसके बाद विड्थ, अब मैं इमेज की विड्थ और हाइट चेक यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 100% GHD और 100%, यानी कि जो 100 पिक्सल्स विड्थ थी और हाइट थी 60 पिक्सल्स, मैं कह रहा हूँ कि वो पूरी हाइट और पूरी विड्थ इमेज को मिल जाए। तो इमेज की हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली 100 पिक्सल्स विड्थ बन जाएगी और जो हाइट है वो 60 पिक्सल्स बन जाएगी, इसका ये मतलब है। रिफ्रेश और देखें इमेज इस जगह पे डिस्प्ले हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है उसमें जो हमारा कोड है इसको ब्रेक करेंगे और डिफरेंट फंक्शंस में लिखेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो लेसन है इंशाल्लाह उसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।